मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हाई लेवल कमेटी ऑन अर्बन प्लानिंग के श्रीनगर कॉन्क्लेव में पिछले दो वर्षों की जो एक्सरसाइज है उसको फाइनल स्वरूप दिया जाएगा। अगले दो दिन इस कॉन्क्लेव में कमेटी की स्थापना के पश्चात जितनी कंसल्टेशन हुई है, एक्सपर्ट्स के आइडियाज़ आए हैं, उनके रिकमेंडेशंस आई हैं, जो उन्होंने फ्यूचर रोड मैप के बारे में अपनी राय दी है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी और मुझे उम्मीद है कि कमेटी फाइनल रिपोर्ट में इनको शामिल करेगी। जैसा बताया गया मेरे पूर्व ही 2022 में इस हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ था और अर्बन प्लानिंग सेक्टर में रिफॉर्म के मद्देनज़र मैं समझता हूँ कि श्री केशव वर्मा जी की अध्यक्षता में इस कमेटी ने ऐतिहासिक काम किया है। तीन दिन पहले मेरी उनसे चर्चा हुई थी और जो उन्होंने मुझे बताया, देश के अलग अलग राज्यों में अर्बन प्लानिंग प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, टाउन प्लानर्स, अर्बन डिज़ाइनर्स के साथ लगभग 25 परामर्श बैठकें आयोजित की गई और श्रीनगर का यह फाइनल इवेंट भविष्य के सुप्रबंधित अर्बनाइजेशन का मार्गदर्शन करेगा, इसका मुझे भरोसा है। मित्रों, श्रीनगर में अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म की यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब देश के अनेक शहर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना कर रहे हैं। 1936 के बाद पहली बार 2024 में दिल्ली में 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। जून के तीसरे सप्ताह में देश भर से मौसम विभाग के अलग अलग स्टेशन पहले हीट वेव और फिर रिकॉर्ड बारिश की सूचना दे रहे हैं। कई शहरों में पूरे साल की बारिश का औसत सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड किया गया है। इस प्रकार की घटनाओं के पश्चात जिस प्रकार अनेक शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मोबिलिटी पर जो प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ा है, उसने हमारे टाउन प्लानर्स, इंजीनियर्स और अर्बन डिज़ाइनर्स के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा किया है। क्या हमारे शहर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए तैयार हैं? क्या हमारे शहर फ्यूचर रेडी हैं? क्या हमारे शहर क्लाइमेट रिजिलियंट हैं? क्या हमारे टाउन प्लानर्स और इंजीनियर्स जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे को प्लानिंग प्रोसेस में शामिल कर रहे हैं? क्या हमारे शहरों के पास अर्बन प्लानर्स, एक्सपर्ट्स, डिजाइनर्स की कुशल प्रोफेशनल टीम है जिसके जरिए हम फ्यूचर रेडी सिटीज़ का निर्माण कर पाएंगे? ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमारे सामने बड़ी चुनौती बन करके खड़े हुए। इस स्थिति में मैं समझता हूँ कि पहली बार पॉलिसी मेकर्स की सोच में बदलाव आना शुरू हुआ है। पॉलिसी मेकर्स तथा अन्य स्टेक होल्डर्स को ये एहसास हुआ है कि अर्बन प्लानर्स समाज की समृद्धि और भारत की प्रगति के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं और उनका संबंध मात्र बिल्डिंग और स्ट्रक्चर से नहीं है, बल्कि वह नागरिकों के लिए संपन्न और सुरक्षित समुदाय के निर्माता भी हैं। ये सच्चाई है कि शायद पहली बार प्रोफेशनल सर्किल से अलग हटकर आम जन जीवन में लोगों ने अर्बन प्लानर्स को अब गंभीरता से लेना शुरू किया है। इसके पीछे कारण सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं है, बल्कि वह सच्चाई है कि हमारे शहर आज न सिर्फ देश के ग्रोथ इंजन हैं, बल्कि वह आम नागरिकों के सपनों और उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के एकमात्र साधन है। बढ़ते अर्बनाइजेशन का सीधा संबंध एमिनिटीज नहीं बल्कि एस्पिरेशन से है। शहर और सपने एक दूसरे के पूरक बने, ये व्यवस्था हम कैसे बना सकते हैं? और इसलिए मैं मानता हूं कि शहर में बुनियादी ढांचे के पीछे लाखों इंसान हैं, उनकी ज़िंदगी है और करोड़ों लोगों के सपने हैं। अगर शहर का बुनियादी ढांचा
उन सपनों को पूरा करने में कामयाब होता है तब अर्बन प्लानर्स और डिजाइनर्स अपने आप को सफल मान सकते हैं। लेकिन अगर अर्बन प्लानिंग, मोबिलिटी, आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य स्मार्ट टूल्स नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हैं तो इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं चूक रहे हैं। शहर और इंसान के संबंधों और उनकी आकांक्षाओं के बीच जो गैप है, मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं। शहरों के किनारे खड़े मकान देखिए, हर मकान बनी है दुकान देखिए, फिरते रहे हैं जो फूल की खोज में, उनके बदन पर कांटों के निशान देखिए। सबसे बड़ी आवश्यकता आज इस बात की है कि आर्थिक, सामाजिक और क्लाइमेट संबंधी चुनौतियों या कांटों का सामना कर रहे शहरों को नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाए, और यह बिना अर्बन रिफॉर्म्स के संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं केशव वर्मा जी के रिकमेंडेशन से सहमत हूँ कि सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में स्टेट टाउन डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज करना होगा, एक्सपर्ट्स तथा टेक्नोक्रेट नियुक्त करने होंगे, टाउन प्लानिंग एक्ट और रेगुलेशंस में व्यापक परिवर्तन जरूरी है, अर्बन डेवलपमेंट लीडरशिप सिटी मैनेजमेंट में ह्यूमन कैपिटल जनरेट करने के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी बनाने होंगे तथा स्टेट लेवल कमेटी का भी गठन किया जा सकता है जो अर्बनाइजेशन पॉलिसी मेकिंग में सहयोग कर सके। मैंने हाई लेवल कमेटी की जो 2023 की पहली रिपोर्ट है उसको आपने जो दिया था मैंने देखने की कोशिश की। कैपेसिटी बिल्डिंग, अर्बन प्लानिंग, डिजाइनिंग रिवर फ्रंट इन इंडियन सिटीज़ तथा शहरों के इकोनॉमिक पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए उन्होंने जिन इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क का जिक्र किया है उसे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में मैं एक बड़ा कदम मानता हूँ, या कहूँ कि पहला कदम मानता हूँ। एक लंबी यात्रा है जिसमें पॉलिसी रिफॉर्म्स के साथ साथ पूरे अर्बन प्लानिंग और सिटी मैनेजमेंट सिस्टम को हमें रीओरियंट करना होगा और क्रांतिकारी निर्णय भी कुछ करने होंगे। सामान्य तौर पर जब पॉलिसी मेकर्स किसी विषय पर नई नीतियों का निर्माण करने बैठते हैं तो उनके सामने लाखों फीडबैक, रिकमेंडेशंस, रिसर्च ये होता है। उन्हें स्ट्रेंथ और वीकनेस के अलावा नागरिकों की आवश्यकताओं को समझने में ये मदद भी करता है, और मुझे लगता है कि इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बार बार कही है कि हर एक पॉलिसी में ह्यूमन टच का होना ये बड़ा जरूरी है। केशव वर्मा जी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी के मेंबर्स ने देश के कोने कोने में 25 परामर्श बैठकों के पश्चात जिन रिकमेंडेशंस को स्वीकार किया है वह टेक्निकल भले ही नज़र आ रही हैं, लेकिन ये सच है कि उनके पीछे मानवीय संवेदनाएं भी जुड़ी हुई हैं। उनके पीछे सपनों का बोझ लेकर शहर आने वाले परिवारों का भविष्य भी तय होगा। मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। मुंबई के टाउन प्लानर श्री शंकर देश पांडे ने किसी कार्यक्रम में ये बात सुनाई थी। उनके एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें कहा कि भाई शंकर, तुम जान बचा सकते हो लोगों की। इस पर शंकर देश पांडे ने कहा, जान बचाना तो तुम्हारा काम है, डॉक्टर का काम है, इसमें अर्बन प्लानर क्या करेगा। इस पर उनके डॉक्टर मित्र जो थे उन्होंने कहा कि मेरे पास आजकल इमरजेंसी में जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें से अधिकतर पेशेंट अस्पताल पहुंचने से पहले भीड़ में ही दम तोड़ दे रहे हैं, और अगर तुम्हारे जैसे अर्बन प्लानर चाहें तो वो अस्पताल जिंदा पहुंच सकते हैं और उनकी जान बचाने में हम कुछ मदद कर सकते हैं। देशपांडे जी ने वो किस्सा सुनाते हुए कहा था कि पहली बार उन्हें जीवन में अर्बन प्लानर होने का महत्व पता चला, और उन्होंने अपनी टीम के साथ बैठकर मुंबई की व्यस्त सड़कों पर उस परिवर्तन को अंजाम देने की कोशिश शुरू की
जिससे हजारों जीवन बचाए जा सकते हैं। देशपांडे जी के जीवन की असली कहानी इस बात को दर्शाती है कि शहरों के सिस्टम में मौजूद पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स को अर्बन प्लानर्स के प्रोफेशन को देखने का नज़रिया निश्चित रूप से बदलना होगा। स्वयं अर्बन प्लानर्स और अर्बन डिजाइनर्स को भी अब अपने दायित्वों का एहसास, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इसकी शुरुआत भी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अर्बन रिजुविनेशन और स्मार्ट सिटीज अभियान के द्वारा शहरों के कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और पब्लिक स्पेस में उनके रोल को काफ़ी प्रमुखता दी गई है। केशव वर्मा जी ने अपनी पहली रिपोर्ट में अर्बन प्लानर्स के नए रिक्रूटमेंट रूल्स, नगर नियोजक स्कीम, अर्बन प्लानिंग इंस्टीट्यूट तथा ऑल इंडिया अर्बन प्लानिंग सर्विसेज का भी जिक्र किया है। मैं इन रिकमेंडेशंस को फ्यूचर रेडी शहरों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखता हूँ और इसलिए मेरी राय है कि इस पर श्रीनगर कॉन्क्लेव में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और जो फिजिबल पॉइंट्स हैं, या मैं जिन्हें कहूँ कि साध्य बिंदु हैं, उन्हें भी फाइनल रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आज आप सभी के सामने अपनी समझ से कुछ बातें रखना चाहूँगा जो अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में चुनौती की तरह हैं और जिन्हें एड्रेस करके ही हम फ्यूचर रेडी सिटीज़ निर्मित कर सकते हैं तथा सभी नागरिकों की क्वालिटी लिविंग हम सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला, हमें सस्टेनेबल अर्बनिज्म के लक्ष्य को प्राप्त करने का भरपूर प्रयत्न करना होगा। हाई लेवल कमेटी ऑन अर्बन प्लानिंग की पहली रिपोर्ट में रिवर फ्रंट और उससे जुड़े वैल्यू क्रिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर चर्चा हुई है। मैं श्रीनगर और जम्मू शहर के थोड़े बहुत अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि अनेक ऐसे शहर हैं जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत को लेकर चल रहे हैं। वहाँ रिवर फ्रंट की प्लानिंग और डिजाइनिंग को सिर्फ पब्लिक इंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि उन्हें शहर के व्यापक सर्वसमावेशी अर्बन क्वालिटी विजुअल अपील को ध्यान में रखते हुए हमें डेवलप करना होगा। और इस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ, जैसा वर्मा जी ने कहा, कि श्रीनगर निश्चित रूप से एक अच्छे मॉडल के रूप में उभर करके देश के सामने आया है। दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, अनप्रडिक्टेबल वेदर पैटर्न, चाहे वो हीट वेव हो, बारिश हो या स्नोफॉल, उसे अर्बन प्लानिंग और डिजाइनिंग में कैसे हम शामिल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी में शहरों तथा वाटर बॉडीज के संबंध को पुनः हमें प्रगाढ़ बनाना होगा। ग्लोबल वार्मिंग और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से आज वाटर बॉडीज को इकोनॉमी और ईज ऑफ लिविंग का मुख्य कैटलिस्ट माना जा रहा है। इसके अलावा वाटर बॉडीज बारिश के दौरान ड्रेनेज सिस्टम का कोर होता है। विश्व के अनेक बड़े शहर जहां लेक और वाटर बॉडीज समय के साथ लुप्त हो गई, वहां नए सिरे से उन्हें डेवलप करने तथा कमर्शियल बाजार की तरह लेक और वाटर बॉडीज को शहर की अर्थव्यवस्था के मुख्य हिस्से के रूप में डेवलप करने की कोशिश हो रही है। इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले भविष्य में शहरों का इकोलॉजिकल पोटेंशियल ही उसके इकोनॉमिक पोटेंशियल का मुख्य आधार बनेगा। आज शहरों के ग्रीन पब्लिक स्पेस में सभी तरह की पब्लिक एमिनिटीज और लैंडस्केपिंग पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि वह इंक्लूसिव पब्लिक स्पेस हो, जहाँ पेडेस्ट्रियन वॉकवे पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि उसके आसपास के इलाके को कमर्शियल हब के रूप में भी विकसित किया जा सके। एक तीसरी बात मैं कहूँगा, बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन को लेकर के, जिसका जिक्र भी वर्मा साहब कर रहे थे, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने किया, जो अनुमान है कि 2050 तक भारत की आधी आबादी अर्बन एरियाज में रहेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि सेटेलाइट शहरों तथा उससे कनेक्टेड रूरल एरियाज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तथा क्वालिटी ऑफ लाइफ को
शहरों से कैसे जोड़ा जाए और रूरल तथा अर्बन सुविधाओं के बीच जो गैप है उस मौजूदा गैप को कैसे कम किया जाए, ये भी हमारे विचार का विषय होना चाहिए। यह शहरों को आने वाले पॉपुलेशन के बोझ से भी बचाएगा तथा सैटेलाइट शहरों को भी सुरक्षित रखेगा, आत्मनिर्भर बनाएगा, आधुनिक तथा आर्थिक रूप से विकसित करने में भी मदद करेगा। ये सच है कि कोविड पैंडेमिक के पश्चात अर्बन लिविंग को पूरी दुनिया में रीडिफाइन किया जा रहा है। शहरों को हमेशा एजुकेशन, ट्रेड, टूरिज्म तथा रोजगार की विविध संभावनाओं के रूप में देखा जाता रहा है, अब लोग उसे क्वालिटी लिविंग स्पेस के रूप में देखना चाहते हैं। अब शहरवासियों को मॉडर्न फैसिलिटीज और नेचर के बीच बैलेंस, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर उनके ध्यान में आ गया है। यानी एक ऐसा होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉलेज कनेक्टिविटी तथा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के अलावा इन्वायरमेंटल कनेक्टिविटी का भी एक मूर्त रूप हो, ये आज समय की आवश्यकता है। इसलिए हमें ऐसी अर्बन प्लानिंग पर फोकस करना होगा जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ तथा कमर्शियल एक्टिविटीज में बैलेंस बना रहे। टाउन प्लानर तथा अर्बन डिजाइनर्स इस बात से वाकिफ हैं कि 10 साल पहले तक शहरों का अलग अलग वर्गीकरण किया जाता था। उनकी विशेषता के अनुरूप कोई कमर्शियल सिटी कहा जाता था तो कोई एजुकेशनल सिटी कहा जाता था, कोई रिक्रिएशनल सिटी होती थी तो कोई रीजनल सिटी, कोई हेल्थ सिटी, ऐसे अनेक वर्गों में उन्हें बांटा जाता था। लेकिन आज बढ़ते अर्बनाइजेशन के कारण और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों की वजह से मुझे लगता है कि एक ही शहर में ये सभी विशेषताएं, सभी क्वालिटीज अब अनिवार्य हो गई हैं। अब स्ट्रांग इनोवेशन कल्चर, स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट पब्लिक सर्विस स्पेस, स्मार्ट मोबिलिटी जैसी खूबियाँ भी एक साथ शहरों के संचालन के लिए आवश्यक हैं ताकि शहरों की प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो सके। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, किसी भी शहर का हृदय उसके नागरिक होते हैं। अर्बन प्लानिंग के मशहूर एक्सपर्ट आर्थर गैलियन ने लिखा था, एंड आई कोट, ए सिटी इज इन ए कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फ्लक्स एंड इट टेक्स शेप थ्रू द इंटरप्राइज ऑफ ऑल द पीपल। इसलिए एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अर्बन प्लानिंग में नागरिकों के फीडबैक को शामिल करना चाहिए और इस प्रक्रिया में वो अर्बन प्लानर्स और डिजाइनर्स के सक्रिय साझेदार कैसे बन सकते हैं, इस पर प्रमुखता से विचार किया जाना चाहिए। पिछले वर्ष किसी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि साउथ कोरिया के ह्यूमन सेटलमेंट इंस्टीट्यूट ने 60 स्मार्ट सिटीज का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला था कि शहर में एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इनोवेशन स्पेस का होना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों को रोजगार और व्यवसाय के अधिकतम अवसर प्रदान किए जा सके। कुछ उसी तरह का प्रयास यूरोपियन कंट्रीज में शुरू हुआ है और विशेष रूप से फ्रांस के अर्बन प्लानर्स ने टेक्नोलॉजी को अर्बनाइज करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर या देश के अन्य शहरों के बारे में मेरा मानना है कि अब छोटे मोटे इंटरवेंशन से हम अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, हमें अर्बन चुनौतियों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे ताकि सिर्फ शब्दों और प्रेजेंटेशन में नहीं बल्कि हमारे शहर हकीकत में फ्यूचर रेडी बन सके। इसके लिए मेरा आग्रह होगा कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी समान रूप से हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। मिलकर के शहरों को ये दोनों सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, रिजिलियंट और सुरक्षित बना सकें। ये सच है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए बड़ा सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में क्या हम सिटीज़ की फ्यूचर प्रूफिंग कर सकते हैं। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन मोटे तौर पर एक नागरिक के नाते मुझे लगता है कि रिजिलियंस प्लानिंग ही फ्यूचर प्रूफिंग की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि क्रांतिकारी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा
सिटी मैनेजमेंट के रिस्पांस सिस्टम को हमें बहुत सशक्त और मजबूत बनाना होगा।